आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आचार्य अभिनव गुप्त की ये जयंती, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सभी मिलकर के ये लगभग 6 से 7 दिन का जो विचारोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, वो इसी दृष्टि से कर रहे हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त का जो अवदान रहा है, जो योगदान रहा है, उसके विभिन्न आयामों से हम सभी लोग परिचित हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वेबिनार की जो सीरीज है, आज से लेकर के लगभग 13 तारीख तक निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम चलेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग संस्थानों में और अलग अलग लोगों के और संस्थाओं के सहयोग से। तो उस विषय पे चर्चा और परिचर्चा करने के लिए हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी, और हमारे साथ दूसरे जो अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हमारे साथ जुड़ना था डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, जो निदेशक थे हरियाणा संस्कृत अकादमी के। वो किसी आवश्यक कार्यवश उनकी एक मीटिंग दिल्ली में है, तो इस वक्त वो मीटिंग में है, लेकिन बीच में वो अवश्य हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी बात हमारे साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। इससे पूर्व कि मैं और आपके साथ बातें साझी करूं 2-3, उससे पूर्व मैं श्री सुनील रैना राजानक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी प्रेरणा से और जिनके स्मरण करवाने से, क्योंकि प्रतिभिज्ञा जब तक ना करवाई जाए, जब तक स्मरण ना कराया जाए, प्रतिभिज्ञा का बहुत बड़ा पक्ष जो है वो स्मरण है, स्मृति है, तो वो जब तक ना करवाया जाए तब तक जीव जो है वो पाश में बंधा रहता है। तो इस दृष्टि से सुनील रैना राजानक जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उचित समय पर स्मरण दिलवाया और आचार्य अभिनव गुप्त को अपने हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो आज का जो विषय है, आचार्य अभिनव गुप्त के वैदुष्य का अवदान, स्कॉलरशिप जो है, हालांकि स्कॉलरशिप बहुत उचित उपयोग शब्द नहीं है, अनुवाद नहीं है वैदुष्य का, क्योंकि वैदुष्य में सौंदर्य का भी पुट विद्यमान है और साथ ही साथ विद्वत्ता का तो है ही है। बौद्धिकता और हृदय जहां पर आकर के मिल रहे हैं अपने विभिन्न आयामों के साथ, तो निश्चित रूप से वो वैदुष्य अपने आप में प्रातिभ शक्ति के साथ मिलकर के एक अलग ही जो है वो आस्वाद देता है। तो इसलिए केवल स्कॉलरशिप शब्द जो है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन औपचारिकतावश जो है हम इसको स्वीकार करते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त दो चीजों से जो है, उनके दो पंख हैं आचार्य अभिनव गुप्त के, एक और है उनका क्रिया स्वातंत्र और दूसरा है सत्ता स्वातंत्र। अगर आचार्य अभिनव गुप्त को ठीक ठीक हम लोगों ने समझना हो, उचित रूप में समझने को, तो क्रिया स्वातंत्र और सत्ता स्वातंत्र, इसके साथ जुड़े हुए जो शब्द हैं, जो शब्दावली प्रयोग करते हैं, चेतनता, स्पंद, प्रकाश, विमर्श, चिति आदि आदि, इसके आधार पर वो सारा का सारा अपना सौंदर्य दर्शन, सारा अपना ज्ञान विज्ञान, वो सारा का सारा इसी आधार पर वो अग्रसर करते हैं। अब इससे पहले आचार्य अभिनव गुप्त को हम कितना जानते हैं, इसका एक आप लोग और मैं स्वयं इसका एक मूल्यांकन जरूर करके देख लें, क्योंकि बिना मूल्यांकन किए कि हमारा ज्ञान उनके विषय में कितना है, आगे की बात जानना जो है वो उत्सुकता को कम करता है। इसलिए यदि तो आप भाषा के स्तर पर, आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त की अगर भाषा को आप कितना जानते हैं, अगर आप 1 to 16 के स्केल पर नापने की कोशिश करें कि आपका आचार्य अभिनव गुप्त की भाषा से कितना परिचय है 1 to 16 के स्केल पे, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना और जानने की आवश्यकता है। इसी तरह आचार्य अभिनव गुप्त के कर्म की कितना आप उससे परिचित हैं, उनके कर्म, चाहे वो प्रातिप कर्म है, साहित्य कर्म है, ज्ञानपूर्ण
है, जो भी उनके कर्म है, उन कर्मों को 1 टू 16 के स्केल पे आप कितना जानते हैं, उससे अधिक जानने की आपको आवश्यकता है। तीसरा, इसी तरह से स्वतंत्रता जो है, उनकी स्वतंत्र शक्ति कितनी अधिक है, इसको समझने के लिए आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि 1 टू 16 के स्केल पे आप कितना जानते हैं अभिनव गुप्त को, उनकी स्वतंत्रता को से कितना परिचित हैं। इसी तरह से आप धर्म को कि उनके धर्मज्ञता को कितना जानते हैं, धार्मिकता की बात नहीं मैं कर रहा, धर्मज्ञता को आप कितना जानते और समझते हैं, ये जानने के लिए। वो संबंधों को कैसे समझते हैं, केवल शिव के साथ ही नहीं, इस विश्व के साथ, इस सृष्टि के साथ उनका जो संबंध है, बीच में अभिनव गुप्त खड़े हैं, उस संबंध के विषय में आपकी कितनी जानकारी है, कितना अधिक आप उसको जानते पहचानते हैं। फिर उसके बाद विचार के स्तर को आप कितना जानते हैं, उनके भाव के स्तर को आप कितना जानते हैं, और अंत में आप उनके ज्ञान के स्तर पे कितना परिचित हैं। और जितना आप परिचित हैं, उससे अधिक अगर जानने की इच्छा है, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। केवल इतना ही नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको के विषय में जो आपने सुना है, मैं श्रुतम कि आपने अभिनव गुप्त के विषय में सुना किस तरह का है, क्या आपने केवल साहित्य की दृष्टि से सुना है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से सुना है, काश्मीर शैविज्म की दृष्टि से सुना है, स्तोत्र साहित्य की दृष्टि से सुना है, आपने किन विद्वानों के माध्यम से सुना है, किन चीजों की दृष्टि से सुना है, एक तो वो, और दूसरा आपने आप किसी के व्यक्तित्व को, किसी व्यक्ति को किस प्रकार से देखते हैं, इस सर्वनाम के ऊपर सारा का सारा जो है ताना बाना बुना हुआ होता है। ये एवं शब्द जो है संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सर्वनाम, मुझे लगता है कि सारा का सारा व्यवहार इसी पे तो निर्भर करता है, सारा जीव एवं पे ही निर्भर करता है। कि एवं का मतलब है कि कैसे आपने देखा, किस दृष्टिकोण से देखा, इस एवं का ही मुझे लगता है हमें विस्तार करने की आवश्यकता है। और इन दो पंखों के बीच में, दृष्टम और श्रुतम के बीच में आपका सारा का सारा ज्ञान होता है, एवं मया ज्ञातम, कि इस पर्टिकुलर दृष्टिकोण से, क्योंकि 360 डिग्री से तो देखने की किसी में क्षमता है नहीं, लेकिन जितना भी आप देखते हैं 40% पर, 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, जितना भी आप देख सकते हैं उतना आप जानते हैं। और उस जानने में भी आप कितने भेद कर लेते हैं, एज ए डूअर, एज एन एंजॉयर एंड एज नोअर। तो अभिनव गुप्त को आप डूअर एंजॉयर का प्रयास करेंगे, और सामान्य रूप से जब आपने किसी को जानना होता है तो आपके पास एक विशेष शब्दावली का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में यही आपके अस्त्र शस्त्र और ढाल होते हैं, जैसे कि प्रकाश, विमर्श, उल्लास, भैरव, आभास, ये कुछ एक शब्द हैं, पति, पशु, पाश, मल, त्रय, उपाय, चतुष्टय आदि आदि, जिनसे आप अभिनव गुप्त के साथ जो है अपना व्यवहार करने जा रहे हैं, उनसे मित्रता करने जा रहे हैं, उनकी शरण में जा रहे हैं। ये दो उदाहरण हैं जिसके आधार पर जो शब्दावलियां मैंने आपके साथ अभी तक साझी की हैं, ये उनका एक उदाहरण है जिसके आधार पर हम उनके वैदुष्य को पकड़ने की, समझने की, उनके आगे विनत भाव से जानने की, जानने का हम प्रयास करेंगे। श्लोकों को एक बार आप देख लीजिए, हिंदी का अर्थ मैं नहीं करूंगा, हिंदी लिखी हुई है, आप हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, संस्कृत का मैं अनुवाद तब तक, संस्कृत जो श्लोक है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ, लेकिन अनुवाद आप पढ़ लीजिए, और उस अनुवाद से ही आपको अनुमान हो जाएगा कि उनका और जो उनका सौंदर्य पक्ष है वो किस प्रकार का है और किस स्तर का है, जिसके कारण हमने ये विषय लिया है कि ये वैदुष्य होता क्या है और इस वैदुष्य की सरसता और सहृदयता क्या है, उस तत्व को आज हम छूने का प्रयास करेंगे विद्वान वक्ता के द्वारा। तो जो उनके दार्शनिक पक्ष का उदाहरण है वो ऊपर आप देख पा रहे हैं, पाषाणान प्रतिवक्तुम कह श्रृणुत भो युष्मान ब्रुवे जंगमाशय्योत्थाय मनर्थ अर्थ सरणे कोयम वृथैवोद्यमः। व्यर्थ का उद्यम करने से क्या लाभ,
संविधामनी शांभवे विशत चेत कालीय मेकम लवम किं किं वर्ण निकाभिराभि रवितः सत्यम स्वयं ज्ञास्यत। ये उनके ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी का श्लोक है। और नीचे का श्लोक अगर आप देखें तो और भी कैसा सौंदर्य पर को श्लोक उनका है, अर्थ आप देख लीजिए दोबारा, क्योंकि अर्थ देखे बगैर आपके लिए संस्कृत शायद उतनी स्पष्ट ना भी हो पाए, क्योंकि उसके समास और उसका जो विन्यास है। पूर्ण व्याकरणाव गाहन शुचि सत्तर्क मूलों मिलित मित प्रज्ञा कल्प लता विवेक कुसुमे रभ्यर्च हृद देवताम। अनिल जी प्लीज आप स्क्रीन शेयर मत कीजिए, अनिल जी कृपया अपने स्क्रीन शेयर जो है उसको आप विड्रॉ करें, नहीं तो ये इधर से गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज तर्क मूलोन्मित प्रज्ञा कल्प लता विवेक सुमेरभ्यर्च हृद देवताम पीयूषा सब सार सुंदर महासाहित्य सौहित्य आग विश्राम्याम्यहम मीशुरा द्वय कथा कांता सखह सांप्रतम। अब यहां पर आप उनका सौंदर्य देखें और ऊपर दर्शन देखें और दोनों का मंजस्य, उसके बीच में आज हम जो है वो तैरना सीखेंगे, उससे आज हम संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन सब विषयों के ऊपर उन चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी ना स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। ओके, मुझे लग ही रहा था वो बीच में वो रिकॉर्डिंग में नहीं फिर आई। ओके एक सेकंड, मुझे दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। एक सेकंड का वक्त लूंगा मैं आप लोगों के साथ दोबारा। जी मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैडम स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी स्क्रीन तो विजिबल है पर सर पीपीटी नहीं है। हाँ जी अब ठीक है, बस ये फुल स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रहा था आप सबने देख ही लिया होगा, तो मैं अब आज के मुख्य वक्ता और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के जो अध्यक्षीय टिप्पणी करेंगे हमारे साथ, मैं उनका परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा, हालांकि आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस आज के हमारे वक्ता हैं और जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर रहे हैं और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी, और निरंतर अपने ज्ञान साधना में निरंतर रत रहने वाले कश्मीर शैविज्म को के साथ साथ वेदांत साहित्य और जितना भी कर्मकांड वेद आदि आदि जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उनको जानना और उनके प्रति अपनी एक विशेष दृष्टि रखना, ये उनकी एक वैशिष्ट्य है जिसके कारण उनको बार बार सुनने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं और उन्हीं की इस दृष्टि को वो अपनी दृष्टि से कैसे अभिनव को अभिव्यक्त करते हैं उसको जानने और समझने के लिए आज वो उनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। साथ में आज जिनका अध्यक्ष वक्तव्य रहेगा अगर वो हमारे साथ जुड़ पाए उस मीटिंग के दौरान दिल्ली में से, डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी जो कि डायरेक्टर निदेशक हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी हरियाणा सरकार पंचकुला में, तो निरंतर वो संस्कृत का कार्य संस्कृत की सेवा में निरत रहते हैं और हर तरह का वो संस्कृत के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं सभी इंस्टीट्यूशंस की ओर से, सभी जुड़े हुए कॉलेजेस की ओर से। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व एक आखिरी स्लाइड दिखा करके आप लोगों से कहूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा कि अभिनव गुप्त को देखने के, क्योंकि वो इतना विशाल व्यक्तित्व है कि एक दृष्टिकोण से हम उनको नहीं समझ सकते, कि मैं जिस एंगल पे खड़ा हूं उससे मैं उनको पूरे का पूरा समझ लूं ऐसा दावा हम में से शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए उनको देखने के मुझे लगता है हमें
तीन बुद्धियों का सहारा लेना पड़ेगा, बुद्धि के तीन पक्षों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला है कि उनका पार्थिव पक्ष क्या है। पार्थिव पक्ष से अभिप्राय ये है कि उन्होंने वो कौन सी ऐसी शब्दावली दी है जो कि हमारे दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होती है, जिससे हम अपने घर गृहस्थी व्यापार राजनीति बिजनेस समाज आदि आदि चलाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और उसका स्टैंडर्डाइज हमने उससे किया हुआ है। दूसरा जो पक्ष है जो कि आप देख सकते हैं नीचे, शाश्वत पक्ष। शाश्वतता का अर्थ है कि किस तरह से उनमें सारे के सारे विचारों का समावेश होता चला गया है, समन्वय होता चला गया है और सारे के सारे जो आकर के सारी छोटी छोटी धाराएं आकर के उस शिव के आनंद स्वरूप में मिलती चली गई हैं। और तीसरा जो पक्ष है, तीसरा जो बुद्धि का पक्ष है, उससे भी हम पकड़ने का प्रयास करें अभिनव गुप्त की चेतना को, वो है चिन्मय पक्ष, कि उन्होंने ऐसे कौन से मूल्यों को, कौन से तत्वों को हमारे लिए स्थापित किया है जिसके करते हैं, वेबिनार करते हैं, अध्ययन अभ्यास करते हैं, ये सारी प्रयास हम लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम ये समझने का प्रयास करें कि उनकी वैदुष्य की सेंसिटिविटी क्या है, संवेदनशीलता क्या है और हम उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे उनके शरण में जाएं, उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रमाकांत आंगिरिस जी को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें इस विषय में कि आचार्य अभिनव गुप्त की जो अभिनवता है और जो गुप्त है, उन दोनों का समन्वय कैसे करें, उस गुप्तता को हम किस तरह से उभारें सामने। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चाहें तो ये ईयरफोन उतार दीजिए, निकाल दीजिए उधर से, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अब आप बोलें? नहीं, माइक ऑफ हो गया, माइक को अनम्यूट करें आप पहले। जी जी हेलो, हाँ अब क्लियर है। अरे हाँ जी, हाँ जी, अभिनव रूपाशक्ति तद्गुप्तो लोचो महेश्वरो देवः तद्वै जामलरूपम् अभिनवगुप्तम् शिवम् वन्दे। विद्वन्मण्डली समादरणीय मित्रो, बड़ा अच्छा स्तुत्य प्रयास है कि हम अपने किसी एक निमित्त से नैमित्तिक रूप में हम अपने परंपरा के ही विभिन्न कोशों में से किसी न किसी कोश का उद्घाटन करते रहते हैं। अतीत को वर्तमान से जोड़ना और वर्तमान के लिए अतीत से प्रेरणा लेना यथाशक्ति जो हो सके, यही स्वाध्याय चिंतन मनन का, जो जिसे कहते थे कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास, ये श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया है कि जो हम बात कह रहे हैं वो बात कितनी युक्तिसंगत है और वो बात जो है वो परंपरा से भी पुष्ट होती है, तर्क से भी पुष्ट होती है, क्योंकि इस दृष्टि से संस्कृत का जो वैदुष्य था वो तीनों ओर से बड़ा मुक्त था। वो अपनी बात कहने के पीछे जहाँ युक्ति का सहारा लेते थे वहाँ युक्ति के साथ परंपरा का भी सहारा लेते थे कि नहीं पीछे से जो बात आ रही है वो क्या है, और फिर उसमें उनका जो अपना अनुभूति पक्ष था अपनी अनुभूति का भी प्राधान्य उसमें रहता था, तो उसके अंदर एक दुराग्रह की कोई संभावना नहीं रहती थी।
आचार्य अभिनव गुप्त के विषय में मैंने जो बात कही है कि अभिनव रूपा शक्ति तद गुप्तो योसो महेश्वरो देवः, अभिनव शब्द का जो प्रयोग है, अभिनव शब्द का जो प्रयोग है वो शक्ति के लिए क्या है, क्योंकि शक्ति जो है वो प्रतिभा रूपा है और नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा है, तो इसलिए अभिनव शब्द का अर्थ ही अभिनवता जो है वो प्रातिभ उन्मेष है, प्रतिभा का खुलना है, भीतर की चेतना का किसी शक्ति का उन्मेष है एक तरह से अभिनवता जो है, और उस अभिनव गुप्तों से चिति के उन्मेष से जो व्याप्त है ऐसे कौन है, तद गुप्तो योधव महेश्वरो देव, उससे जो आज प्रकाशित जो है उनका जो विमर्श है, उस विमर्श से जो प्रकाश है शिव है, वो शिव जो है तद गुप्त है, वो गुप्त है, उसमें अपने प्रकाश में ही गुप्त है, उससे एक प्रकार से उससे जो उसको युक्त भी नहीं कह सकते हम, अपने ही प्रकाश से जो स्वयं प्रकाश है एक प्रकार से, तदुभय यामल रूपम, ये कश्मीर टर्मिनोलॉजी के अंदर यामल शब्द का प्रयोग है कि एक ही तत्व अपने में से उभयता को अपनी उसमें विस्तार के लिए उन्मेष की दशा के अंदर भीतर से उभयता को जब प्रकट करता है तो यामल बन जाता है, एक ही अंकुर जब अपने भीतर से अकेला फूटता है लेकिन ऊपर जाकर के दो टहनियां बन जाती है, उसकी दो उधर से बन जाते हैं, तो यामल भाव उसको कह देते हैं, उभय तदुभय यामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे, ऐसे हम अभिनव गुप्त रूप शिव की ही वंदना करते हैं, शिव के इस प्रकार से स्तवन करने के पीछे उनके शिष्यों का बहुत बड़े बड़े शिष्य भी उनके बहुत विद्वान थे, स्वयं भी बहुत स्वयं तो उनके प्रतिभा का वैलक्षण्य था ही था, लेकिन उनके शिष्य लोगों ने जिस प्रकार से उनका निरूपण किया उस निरूपण को भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, वो उनको शिव स्वरूप मानने के कारण उनका तो उनके साथ शब्द उनका उपाधि न कह करके अगर हम कहें कि उनका जो माहेश्वर्य है उनकी महेश्वरता का निरूपण, वो उन्हें महामाहेश्वर कह करके निरूपण करते हैं, कि महामाहेश्वर का मने जो महेश्वर का उपासक महा महेश्वर और या स्वयं भी महेश्वर रूप ही जो हो गए थे, और इसलिए उनके जन्म के विषय में भी उनके जो उनके जो शिष्य लोग थे वो उनके लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं, योगिनी भू करके प्रयोग करते हैं, कि योगिनी भू का मतलब यह है कि जिसका जन्म एक विशेष किसी आध्यात्मिक परंपरा की पूर्ति के लिए दिव्यता के साथ तो होता है, तो ऐसी संतान को योगिनी भू करके संबोधित कश्मीर के आचार्य लोग करते थे, तो उनको इस तरह से एक प्रकार से विद्वान लोगों ने महामाहेश्वर आचार्य शब्द बाद में प्रयोग करते हैं, लेकिन महामाहेश्वर करके उनका जो स्वरूप बताया जाता है उसके पीछे भी एक उनकी दृष्टि का एक तरह से स्तुति गान है, एक प्रकार किया बड़ा विलक्षण बात है ये, आचार्य अभिनव का जो उदय है ये उदय लगभग दशम शताब्दी के मध्य में, दशम शताब्दी के पूर्व भाग में ही लोगों ने स्वीकार किया है, तो बड़ी विचित्र स्थिति हमारे सामने आती है कि उस समय उसके बाद उनके समकालीन जो उनके शिष्य लोग थे विद्वान लोग थे उन्होंने भी उनको बहुत ही विशेष रूप से एक्नॉलेज किया है, कि विशेष रूप से उनका स्मरण किया, लेकिन उनके बाद में बड़ा जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व एक साहित्य के अंदर आता
आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट जैसे व्यक्ति भी उसके लिए बहुत ही आदर से अभिनव गुप्त पाद शब्द का प्रयोग करते हैं। अभिनव गुप्त पाद शब्द जो है वो एक तरह से इस बात की स्वीकृति देता है कि एक उसकी विद्वत्ता जो है वो बिल्कुल एक ऐसी विद्वत्ता है जो सर्वतोमुखी है, वो सर्वसमावेशी विद्वत्ता है, ऐसा वैदुष्य नहीं है। विद्वान तो वो कहते हैं कि न शिल्पादि शास्त्र न युक्त है, विद्वत शब्द प्रयुक्त है। विद्वान की संस्कृत की अपनी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि वो विद्या का सिर्फ उसे कोई बहुत सारी सूचना है उसके पास है, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, या उसके पास बहुत सारा सूक्ष्म ज्ञान भी है, तो इतने मात्र से वैदुष्य का आकलन नहीं लोग करते। वैदुष्य का आकलन करने के लिए उनका एक कसौटी थी, और वो कसौटी उनकी ये जो हमारे सम्मुख आती है वो कह नरत्वम दुर्लभम लोके, क्योंकि मनुष्य जन्म में आना ही एक तो बड़ा मुश्किल है, नरत्वम दुर्लभम लोके, और फिर उसमें विद्या तत्व से दुर्लभ, और मनुष्य होकर के भी विद्या में प्रवेश उसका हो रहा है, ये और भी मुश्किल है। ये साहित्य दर्पण जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसका प्रारंभ में उन्होंने संकेत किया, और वहाँ भी कवित्वम दुर्लभम तत्व, और वहाँ भी कवित्व जो है ये और भी दुर्लभ है, लेकिन कवित्व प्राप्त होने पर भी शक्ति तत्व से दुर्लभ। शक्ति जो है वो, अब शक्ति का साहित्यकार जो लोग हैं वो कोई मसल पावर के लिए नहीं करते हैं, वो शक्ति का अभिप्राय वहाँ पर है प्रतिभा शक्ति, प्रतिभा का उन्मेष, क्योंकि काव्य रचना के अंदर जो प्रतिभा है, प्रतिभा का इसीलिए महात्म्य गान दिया गया है कि प्रतिभा जो है वो सर्वसमावेशी है, वो सास्फुरता है, महासत्ता है, देश काला विशेषणी, वो किसी पर्टिकुलर देश और काल विशेष तक ही सीमित नहीं होती। ये वैदुष्य शक्ति जिसकी प्रतिभा जागृत हो गई है उसका जो वैदुष्य है वो केवल एक परिसीमित काल और देश तक सीमित नहीं रहता। तो इसलिए जो विद्वान शब्द का दिन के लिए प्रयोग करते हैं वही लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग अपनी रचना करते हैं एकस्य गच्छति कवेर गृहे एव काव्यम्, कुछ लोग होते हैं कि उनकी रचना जो है वो घर में अपने घर में ही रचना लिखी और घर में ही रह जाती है, और दूसरे लोग अन्य से गच्छति स्वरित भवनानि यावत्, कुछ तरह और बेटर कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी रचना जो है वो मित्रों के घर तक चली जाती है, लेकिन निश्चयाविदग्ध भवनानि मुकेश कश्यापि संचरित विश्व कुतुबी, लेकिन किसी किसी व्यक्ति कोई कोई जहाँ शक्ति का उन्मेष होता है जहाँ पर वो प्रतिभा का जहाँ उन्मेष होता है वहाँ पर व्यक्ति विश्व कुतूहली, विश्व कुतूहली रचना सारे विश्व को जो कुतूहल में डाल देती है कि जानो ये कौन है, अभिनव कौन है, अभिनव कौन है, ये विश्व कुतूहल सारे विश्व के लिए जो कुतूहल संचारित कर देती है। और जो नहीं विदग्ध लोग हैं वो लोग भी उनको भी उनसे दृष्टि मिलती है, तो कश्यापि संचरति विश्व कुतूहली, किसी किसी की जो रचना होती है वो विश्व कुतूहली, जैसे रामायण है, महाभारत है, कालिदास का काव्य, और दूसरे बहुत सारे ऐसे कवि लोग हैं जिनकी रचनाएं आज भी विश्व में कुतूहल पैदा करती है। तो विश्व कुतूहली होना जो है ये उसमें सबसे बड़ा वैदुष्य का एक लक्षण माना गया कि जो पूर्ण वैदुष्य है, पूर्ण वैदुष्य वो है जो विश्व कुतूहली होना चाहिए। इसलिए हम जब इनका आकलन करते हैं तो ये देखते हैं कि एक ऐसा ऐसे व्यक्तित्व का आविर्भाव कश्मीर के अंदर होता है 11वीं शताब्दी में, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो जो पूर्वाचार्यों के द्वारा जो स्थापनाएं की गई थी, जो बिल्कुल पूर्वाचार्यों के द्वारा की गई स्थापनाएं जो बिल्कुल अपने एक संकुचित रूप में, बहुत साधारण रूप में, सामान्य रूप में जो प्रस्फुटित हुई थी, उनको एक संपूर्ण दर्शन का रूप दे देना,
उनको एक इस स्तर के ऊपर ले आना, उठा करके उनका मार्जन करके, उनका परिष्कार करते हुए आगम मंत्र का, आगम का, दर्शन का, निगम का, सभी परंपराओं के अंदर। इसलिए उनके विद्वत्व का आकलन करते समय हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि उनकी प्यास कितनी बड़ी थी ज्ञान के प्रति, जो जिसे कहते हैं महाक्षुधा वाला पुत्र पैदा हुआ है। महाक्षुधा ज्ञान को अधिक से अधिक, जो तृप्त न होने वाली, अतृप्त होने वाली, जैसे ज्ञान के प्रति लग्न होती है ऐसी प्यास जागृत जिसमें हो जाती है, ऐसा व्यक्तित्व था जिसके विषय में कहा जाता है कि लगभग 21 आचार्यों से, एक तो घर का वातावरण सारा ही संस्कृतमय, संस्कृतमय ही नहीं शास्त्रमय, और शास्त्रमय ही नहीं अनुभूतिमय भी था। तो पिता नरसिंह गुप्त थे, माता का नाम विमल कला था, जिनका आचार्य अभिरुद्ध है, वो अन्य बहुत से आचार्यों की तरह अब वो अपने आइडेंटिटी जो है, अपना जो व्यक्तित्व है उसको गोपन नहीं रखते हैं, वो थोड़ा उसमें प्रकट दो तीन जगह कर देते हैं, जैसे उनकी जो रचनाएं हैं तंत्रालोक है, या ये जो है उनका परात्मिशिका विवरण है, उसके मंगल पद्यों के अंदर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया है कि उनके पिता कैसे थे। पंचमुख गुप्त रुचिर जनक विमल कलाश्याभिनव शिष्ट महाजननी, उनकी माँ कैसी है वो उसमें साक्षात विमल कलारूपा, और पिता कैसे है जिनसे उनने पूर्ण व्याकरण अवधान सीखी। कहते हैं कि नरसिंह गुप्त उनके पिता जो थे उनसे पूर्ण व्याकरण, व्याकरण की संपूर्णता उन्होंने ग्रहण की, जिसके अंदर उस समय के जितने चाहे वो पतंजलि का महाभाष्य था, या उसके अंदर वाक्यपदीयकार का भर्तृहरि का वाक्यपदी जैसी रचनाएं थी, उस सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने वो वेदांग में व्याकरण जो है उसके ऊपर एक संपूर्ण रूप से शुचिता प्राप्त करने का अवरुद्ध वो हुआ। फिर उनके 21 आचार्यों में से भट्ट तौर से साहित्य का उनको, साहित्य शास्त्र का उनको उसमें संप्राप्ति हुई, और भिन्न भिन्न आचार्यों से, 21 आचार्यों के पास जाने का मतलब क्या था, और फिर दर्शन से ही वो नहीं सारी तृप्ति हुई, और उसके जाकर के जालंधर पीठ में ये महामहेश्वर ये शंभुनाथ जो थे उनसे तंत्र का, तंत्र ज्ञान के अंदर वहाँ पर उसने कौल सिद्धांत जो था, रहस्य था उसका, उसको भी ग्रहण किया, उसको भी बराबर वहाँ रह करके सीखा। तो सीखने की स्थिति को ध्यान करके मुझे ध्यान आता है उस पौराणिक आख्यान का, कि वो कहते हैं कि कश्यप जो ऋषि थे, वो कश्यप ऋषि ने उनके पत्नी थी विनता, तो गरुड़ की माता, तो गरुड़ की माता पत्नी ने कहा कि ये बच्चा जो है बहुत ही खुला वाला है, इसकी तृप्ति होती ही नहीं है, हर वक्त ही ये खाने के लिए मांगता, हर वक्त ही। वो कश्यप जो थे उन्होंने पत्नी से बड़े मुस्कुराते हुए कह दिया कि अरे धन्य हो तुम, ये महाक्षुधा वाला पुत्र पैदा हुआ, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। अब ये महाक्षुधा ही महाक्षुधा है, इस संपूर्णता को आत्मसात करने की जो संवेदनशीलता है, संपूर्णता को आत्मसात, हमारी सारी की सारी अपेक्षाएं जो हैं उनके अंदर अगर हम देखें, आज भी जो वर्तमान में स्थिति वो क्या है कि हम एक संपूर्ण मनुष्य को जो अपनी संपूर्णता के अंदर देखने के प्रयास के अंदर हम इधर उधर मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं कि कहीं संपूर्णता दृष्टिगत हो जाए। संपूर्णता का साक्षात्कार होने के बाद फिर ऐसी कुछ ज़्यादा देखने की रुचि नहीं रहेगी शायद। तो एक संपूर्ण स्त्री, एक संपूर्ण पुरुष, जिसे हम एक समग्रता का स्वरूप कहें, तो शिव और शक्ति को हमने वो संपूर्णता के रूप में ग्रहण किया। इसलिए काश्मीर शैविज्म का जो दर्शन है वो एक तरह का पूर्णतावादी दर्शन है,
वो संपूर्णता कैसे करता है, वो संपूर्णता को किस प्रकार से व्याख्यात करते हैं आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने भाषणों के अंदर, अपनी रचनाओं में, अपने स्तोत्रों के अंदर और अपनी जो लोक व्यवहार के अंदर आने वाली जो कलाएं हैं उन कलाओं का दर्शन की व्याख्या करते हुए, रसतत्व की व्याख्या करते हुए विभिन्न प्रकार से उन्होंने उसका साहित्य जो है वो जहाँ से आप उठा करके देखे। इसीलिए काश्मीर शैविज्म के बारे में जो बात कही जाती है वो कि संपूर्णता को देखते हुए कि दुखान्य भी सुखायन्ते विषमप्य अमृतायते, ये यत्र मार्गस्य शंकरः मोक्षायते च संसारः, कि ये संपूर्णता का दर्शन कुछ ऐसा है दुखान्य भी सुखायन्ते, यहाँ दुख जो है वही वो सुखायन्ते सुख एव आचरन्ति, वो सुख में परिणत हो जाते हैं, दुख जो है वो सुख में ही परिणत हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विषम प्रमृतायते, और जो विष है, जो विष जिसे हम समझते हैं कि ये संसार सारे का सारा विष स्वरूप है, ये माया जो है और ये बहुत भयंकर है, ये सभी लोग जो वर्णन करते हैं कि उनसे बिल्कुल विपरीत एक स्थिति है, सभी लोग वर्णन करते हैं कि ये जो भव संसार है, ये जहर की पुड़िया, ये सारे का सारा बहुत दावानल है, भव ऐसा है, संसार संसार के प्रति बड़ी नेगेटिव दृष्टिकोण हमारे अध्यात्म की जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर भव को बड़े ही एक विरुद्ध, एक बहुत ही विकल, एक व्याकुल जिसे कहते हैं कि अग्नि रूप में दुखों का एक पुंज, और बुद्ध तो यही कहेगा कि उसने सर्वम दुखम सर्वम दुखम, ये सब दुख ही दुख है और है ही कुछ नहीं। यहाँ पर सांख्य भी ऐसे ही कहता था, लेकिन काश्मीर शैविज्म उससे अलग दृष्टि करके एक दृष्टि अगर विकसित हो जाए, अगर ये शैवी दृष्टि का विकास हो जाए तो उसे दुखान्य भी सुखायन्ते, दुख कहते ही नहीं है, सुख में ही परिणत हो जाता है। वो दुख जो है वो स्वात्म प्रच्छादन एक प्रकार का है, वो स्वात्म प्रच्छादन को यत्र मार्गस्य शंकर, ये शंकर शंकर दर्शन जो है, शंकर दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर दुख जो है वो सुख में परिणत हो जाते हैं, विषमप्य अमृतायते, और विष जो है वो अमृत के समान आचरण करने लगता है, और मोक्षायते च संसारः, और ये संसार जिसे लोग सबसे भयंकर समझते हैं, ये संसार सागर एक घोर, मैं संसार सागर एक घोर संसार समुद्र के अंदर तस्मान माम शरणागतम शरण गतम रक्ष रक्षात्मना, ये शरण मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, ये घोर संसार के अंदर हिंसा करो, इस प्रकार से लोग करते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं नहीं, ये यत्र मार्गस्य शंकरः, ये शंकर दृष्टि मत दृष्टि यहाँ प्राप्त होती है, जहाँ इसका धीरे धीरे उदय होना, इसके प्रवर्तन होना शुरू होता है, तो वैसे वैसे ही वो विष जो है वो अमृत के अंदर, और संसार जो है भोगो योगायते, की भोग जो है वही योग के रूप में परिणत होने लगता है। अब ये बातें स्थूल रूप में सुनने में अच्छी भी लग सकती हैं और आप आलोचना का विषय भी हो सकती है, लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ पर प्रतिविज्ञान जब हो जाएगा, यत्र मार्गस्य शंकरः, शंकर मार्ग क्या है, वो प्रतिविज्ञान का ही मार्ग है, तो वो प्रतिविज्ञा की दृष्टि का जब उन्मेष होता है तो फिर ये सारी बातें जो मैंने ऊपर कही हैं, तो ये शंकर दृष्टि जो प्रतिविज्ञा की दृष्टि है, ये स्व की जो पहचान है, ये स्व की पहचान जो है वो जब परिपूर्णता में आ जाती है, पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, तो ये विश्व जो है ये विश्व नहीं रहता है, ये विश्व जो है ये वो शिव ही बन जाता है, सकल शिव, विश्व रूप क्या है, सकल शिव जो है, सकल शिव जो है वो विश्व बन जाता है, और जब वो निष्कलता में जाता है तो विश्व तीर्ण हो जाता है, ऐसा काश्मीर शैवाचार्य ने, और विशेष रूप से ये आचार्य अभिनव गुप्त जो है वो एक दृष्टिकोण देने का ऐसे ही प्रयास करते हैं। तो इसलिए
हमें ये देखना चाहिए कि वैदुषी का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि एक ऐसी दृष्टि को लेकर के चले हम, उस एक दृष्टि का उन्मेष होने से सभी दिशाएं आलोकित हो जाए, ऐसा दर्शन जिसे उसमें वो आचार्य अभिनव ने जिस दर्शन को वो स्थापित करने का उस समय, क्योंकि बौद्धों का प्रभाव और दूसरे दर्शनों का सभी का बड़ा प्रभाव था उस समय में, उसको एक दर्शन का रूप दे देना, ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। इसी से उनके वैदुषी का पता लगता है कि इसे प्रतिविज्ञान था। तो प्रतिविज्ञा के विषय में हम मानते हैं वो कि मैं सोमानंद मतम मनुष्य निबद्धम, सोमानंद के मत को मैं स्वीकार करके ही जो कुछ कहने जा रहा हूँ कहने जा रहा हूँ। लेकिन सोमानंद जी ने जो बात की थी वो प्रतिविज्ञा के विषय में उस स्मृति पक्ष के ऊपर उसको यहाँ उसका विस्तार से विवेचन करने का नहीं है, लेकिन उसमें स्मृति का पक्ष जो है वो प्रबल रहता है। और उसके बाद आचार्य उत्पल देव जो है वो प्रतिविज्ञा को जब व्याख्यात करते हैं तो वो एक और तरह से व्याख्यात करते हैं, दृक्ति आत्मा करके उसकी व्याख्या करते हैं। दृक् शक्ति का मतलब है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का परस्पर जो मेल है, अनिति है। लेकिन उससे हमें लगता है कि प्रतिज्ञा की स्थिति वो खुल नहीं पाती है उसे, कि इससे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का मिलन हो जाना, या वो स्मृति रूप ही है तो स्मृति रूपता के अंदर उसको लाना, लेकिन उसका व्याख्यान खुल करके नहीं होता था। इन दोनों दृष्टियों को जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की दृष्टियां थी, आचार्य सोमानंद की दृष्टि थी या आचार्य उत्पल देव की दृष्टि थी, उनको आचार्य अभिनव ने विभिन्न रूप से उसका प्रकाशन किया, अपने विमर्शनी के अंदर भी किया है, तंत्रालोक तंत्र सार परमार्थ सार जैसी पुस्तकें जो है उनकी कम से कम अगर हम कहें तो उनकी 41-40 के लगभग पुस्तकों का निरूपण विद्वान लोग कहते हैं, जिनमें से इजीली अवेलेबल जो है सरलता से मिल सकती है हमें, वो परमार्थ सार है, तंत्रालोक है, बोध पंचदशिका है, तंत्र सार है और ये परात्रिश का विवरण है। तो इन रचनाओं को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक रचना जो है एक बिल्कुल विभिन्न दृष्टिकोण को लेकर के चलती है, लेकिन वो अपने आप में संपूर्णता की ओर अग्रसर हो जाती है। वो जिस पक्ष से आते हैं वो जाकर के उसमें जाकर के तो इस कारण से आचार्य अभिनव का स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। वो देते हैं, वो एक कहते हैं कि नहीं प्रतिज्ञा जो है वो स्मृति रूप है और प्रत्यक्ष में वर्तमान भी है, सैव आयम चैत्र, ऐसा उदाहरण देकर के स्वयं स्पष्ट करते हैं कि जैसे ये चैत्र जिसको मैंने वहाँ देखा था उसी को मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो इससे प्रतिज्ञान हो गया। लेकिन इस प्रतिज्ञान का सार्थकता ये शैव दर्शन के अंदर दार्शनिक दृष्टि से इसकी कितनी सार्थकता है, तो स्वयं ही उसके अंदर वो उठाते हैं प्रश्न कि बहुत सारा जो हमारी एक स्मृति है, स्मृति जो होती है वो तो पूर्व दृष्टि के ऊपर बेस्ड होती है, स्मृति जो है वो पूर्व दृष्टि के ऊपर रहती है, पहले मैंने कुछ देखा है तो उसका वो स्मरण हो रहा है, तो यहाँ स्मृति तक तो पूर्व दृष्टि का होता है, लेकिन प्रतिविज्ञान में ये पूर्व दृष्टि है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। अब ये उसको एक दिशा देने का और तरीका था कि यहाँ पर मैं अपना जो शिव स्वरूप है उस शिव स्वरूप को मैंने पहले देखा है या नहीं देखा है, ये उसका प्रतिविज्ञान कैसे होगा, क्योंकि स्मृति जो है वो तो मूलतः पहले वस्तु जो देखी हुई है उसको मैं फिर से देख रहा हूँ,
तो प्रतिविज्ञा बन गई। ये तो लौकिक प्रतिविज्ञा एक प्रकार से व्यावहारिक उसके पक्ष में है, लेकिन ये तात्विक या दार्शनिक स्वरूप इसका, उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं। एक देखिए ये जो मैंने उस शिवता को नहीं देखा है, पूर्व दृष्टि नहीं है, पूर्व दृष्टि ना होने पर भी मैंने शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरुकों के माध्यम से और इधर उधर से इंफॉर्मेशन से, सूचनाओं से, जिसे कहते हैं कि एवं मैं अश्वतम की बात कर रहे थे, वो एवं मैं अश्वतम का इसका प्रतिविज्ञा की कुछ ऐसी ही स्थिति का मुझे लगता है कि नैषित चरित के अंदर श्री हर्ष ने प्रयोग किया है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि दिष्टा न भयमी निषिधा दीपेन, भयमी ने दमयंती ने राजा नल को कभी नहीं देखा था, दिष्टो न भयम्या निषिधा दीपोपी, और भयमी ने भी कभी नल को नहीं देखा था, लेकिन न देखने पर भी कथम पुनः प्रेम देव बभु, उनमें प्रेम कैसे, कहते हैं कि वो प्रेम उदय होने का कारण उसमें जो हंस था, हंस ने जाकर के बीच में, तो ये हंस शब्द जो है प्रतीकात्मक एक तरह से गुरुजनों, उन लोगों को जिनको हम परमहंस कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण वो परमहंस उनके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो हमने सुना है केवल एवं मैं श्रुतम, तो यहाँ श्रुतम मैंने सुना है स्मृति के आधार पर नहीं, अब यहाँ प्रतिविज्ञा, यहाँ पर प्रतिविज्ञा जो है वो सुना, और फिर सुना जो है उसके आधार पर फिर आपने उससे मिलना भी हो गया, लेकिन आपने उसे देखा हुआ नहीं है, वो मिले भी तो भी उसका पता नहीं लग रहा है आपको, शिव हैं पास खड़े लेकिन वो शिव ही हैं कि नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो उसमें तत्त्व वर्णित जो गुण हैं, जो और बातें हैं, उन सारी बातों को आप मिला करके जब आप निश्चित रूप से बिल्कुल निशंक होकर के, आपके सारे डाउट्स जब क्लियर हो जाएंगे, वो जो आपने सुना था गुरुमुख से सुना था, जो आपने शास्त्र के द्वारा जाना था, उसमें से सारे जो उसमें जो असंभावनाएं हैं, विपरीत भावनाएं हैं, जितने दोष निकल जाने के बाद आपके अंदर जिस शुद्ध प्रतिविज्ञा को आपने पहचान लिया कि हाँ नल ने दमयंती को पहचान लिया, तो ये जो प्रतिविज्ञान है, इसके लिए आचार्य अभिनव गुप्त ने जो लक्षण किया प्रतिविज्ञा का, आप ही मुख्यन कहा न तो स्मरिय माने, प्रतिविज्ञा तब तक नहीं है जब तक सामने नहीं, वो बिल्कुल फेस टू फेस, जैसे हम आज की भाषा में कहते हैं ना, शिवता का साक्षात
अध्याय का समावेश है और दर्शन जो है वो प्रज्ञा का उन्मीलन है। तो प्रज्ञा का उन्मीलन भी हमें आचार्य अभिनव के ग्रंथों के अंदर उपलब्ध होता है, उनकी परंपरा के अंदर उपलब्ध होता है और हृदय की जो आंतरिकता है वो भी उनके ये जो पहले श्लोक पढ़ा था इन्होंने श्लोक के अंदर वो पूर्ण ज्ञा के नाम ग्रहण वहाँ वो कहते हैं कि मैंने प्रज्ञा कल्पलता विवेक कुछ नहीं, प्रज्ञा रूपी कल्पलता के विवेक भूलों से मैंने क्या किया, अभ्यर्थ हित देवता हूँ, अपने हृदय के देवता की अभ्यर्थना कर उसकी और फिर उसे मैं आजकल जो विश्राम भाव के अंदर हूँ तो उस विषय में मैं समझता हूँ कि समय की सीमा को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस विषय में बहुत विस्तृत है कि उनका वैदुष्य जो है, अगर वैदुष्य को हम थोड़ा सा सावधानता से देखें तो वो विश्व को चूहरी वैदुष्य है। एक वैदुष्य होता है इसके विषय में सभी लोग खास तौर पर ऐसा सोचता है कि ये जो लोग है कि कहने के ही अंदर यद सारस्वत वैभवम गुरु कृपा की एवं जो सारस्वत सरस्वती का जो वैभव है यद सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाको जो गुरु की कृपा के अमृत से ही जो जिसका पाक बनता है। ये पाक शब्द भी कश्मीर कविज्म की एक बड़ा टेक्निकल टर्म है, वो परिपाक जो है वो जब होता है तो गुरु कृपा से तब अनुभव में आदमी शांभव स्थिति के अंदर चला जाता है, तब शांभव स्थिति कैसे बुलाओ तो वो गुरु कृपा पीयूष पाप को हम जो सारस्वत वैभव है उसका स्वामी कौन बनता है। उसके लिए वो कहते हैं कि आचार्य दिवसम बसन नृपया पूरम परम पंकिरम पूर्वाण कमलाकर चिकम किम सौरभम सैरिवा, पूरे कमलों से भरे हुए तालाब के अंदर एक लोग जो है भैंसे को छोड़ दो कहता है घूमता रहेगा उसके अंदर सारा दिन लेकिन कभी भी वो उसकी सुगंधी की तारीफ नहीं कर सकता। उसका फ्लेवर जो है वाणी का जो फ्लेवर है, दर्शन का जो फ्लेवर है, चेतना का जो फ्लेवर है, वो जो सौरभ है उसकी सुरभि का जो अनुभूति जिन लोगों की वाणी में उतरती है उनमें से आचार्य अभिनव का वैदुष्य जो है वो मैं समझता हूँ कि अनुभव है। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि उसमें अर्पित करता हूँ और आप सब लोगों के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज पहली बार ये कुछ स्पष्ट हुआ कि अभिनव की अभिनवता है कहाँ, कैसे उसमें धाराएं आकर के मिलती हैं, किस तरह से उनका समन्वय होता है और उस समन्वय का प्रातिभ उन्मेष किस प्रकार से हुआ है, वो आप जैसे आचार्यों की कृपा से ही हम लोगों को समझ में आ सकता है, इस दिशा में हमारा मार्ग निर्देशन कर सकता है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए अभी, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोगों के जो वेबिनार्स होते हैं उसमें मुख्य वक्ता के बाद प्रश्न उत्तर टिप्पणी जो भी होता है उसको हम लेते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ हरियाणा ग्रंथ अकादमी हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़ा एक उनके लिए भी बड़े असमंजसता की स्थिति थी कि अचानक उनकी दिल्ली में मीटिंग आ गई और वो ड्राइव करते हुए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अगर अपना कर्तव्य बीच में संक्षिप्त सा अकादमी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन भी और अकादमी की ओर से स्वागत वचन भी अगर वो कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि उन्होंने मुझे ऑथराइज किया है कि अकादमी की ओर से धन्यवाद और कहें, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर वो दो शब्द बीच में रोक कह सके तो। दिनेश जी डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ, एक मिनट गाड़ी साइड में लगा दी। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको आपका अभिवादन करता हूँ कि आप ये संयोजन जो कर रहे हैं, मैंने तो आज आपका दूसरा
कार्यक्रम शामिल हुआ हूँ। परले दिन भी आपने जब ये कार्यक्रम बहुत गंभीर विषय था उस पर चर्चा की, और ये कार्यक्रम टीम के साथ जो करते हैं ये संस्कृत को एक बहुत ही सुदिशा देगा, ये पक्की बात है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी आपके साथ खड़ी है, जब भी हमारी आप ड्यूटी लगाएंगे इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की, वो हम मतलब क्या कहेंगे कि आर्थिक दृष्टि से भी हम आपके साथ हैं और मानसिक और शारीरिक तो जुड़े हुए ही हैं। अभिनव जी के बारे में, गुप्त जी के बारे में जो चर्चा मैं गुरुग्राम से चला था, धौला कुआ मैंने गाड़ी रोकी, मैं सुनता आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा गुरु जी के भी मुझे यहाँ दर्शन हुए हैं। मैंने पलक झपक के देखा है वो थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे, तो मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। और जितने भी श्रोता इस गंभीर विषय का आस्वादन कर रहे हैं वो भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी की ओर से सभी श्रोतागण का, आचार्यों का और प्रवक्ताओं का, सबका मैं कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और गुरु जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। और आशुतोष जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार इन कार्यक्रमों में लगे रहेंगे और सबका उत्साह वर्धन करते रहेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जुड़ना हमारे लिए बड़ा उत्साह वर्धक है और आपका सहयोग निश्चित रूप से अभिनव गुप्त के ये जो 6 दिवसीय उत्सव है इसको पूर्णता की ओर अग्रसर करेगा, उसमें सहायक रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये सत्र जो है मुख्य वक्ता के बाद ओपन हाउस डिस्कशन का रहता है, टिप्पणियों का रहता है, प्रश्नों का रहता है, संशयों और समाधानों का रहता है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टिप्पणी है तो जरूर आप कर सकते हैं। और अंत में श्री सुनील रैना राजानक जी जो हैं वो हम सभी की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और उससे पूर्व जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य डॉक्टर निहार पुरोहित जी, डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, डॉक्टर सरोज कौशल जी, डॉक्टर अभिषेक जी और राजेंद्र रैना जी, राकेश शाह जी, बहुत सारे नाम हैं, श्री कृष्ण लाल वरीकू जी, विष्णुदत्त जी, सी के झा और बहुत सारे जो विद्वान, गणमान्य विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और अपना आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप सबने जुड़ करके आज अभिनव गुप्त जी के प्रति जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं वो वस्तुतः जो है इस सारे आयोजन को सफल करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आचार्य डॉक्टर निहार जी की टिप्पणी या जो भी वो अपना वक्तव्य देना चाहें उनका स्वागत है। अपने को अनम्यूट कर लें सर। नहीं, अनम्यूट हो गए। नहीं, अभी म्यूट है। तब तक दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार, क्योंकि कई बार टेक्निकल समस्या आती है। तब तक हम जी जन्मेजय कुमार झा जी कुछ कहना चाहते हैं? आपने माइक ऑन किया है। धन्यवाद सर जी, हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा। हम ऐसे ही संयोग से 2 दिन में ज्वाइन नहीं पाया किसी कारणवश, लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा। सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम, और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे तो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी लाभकारी होगा। सभी विद्वत जनों को धन्यवाद एवं मेरा प्रणाम। जी जी, जन्मेजय जी धन्यवाद जी। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी सर। प्रणाम गुरु जी, हम काशी से मूलतः है लेकिन अभी कश्मीर में। तो मूलतः जुड़ने का एक पर्पस ये था कि हम कश्मीर से जुड़ सके और आपको प्रणाम कर सके।
मैं तो अमरनाथ भेज बैठा था कि आप अमरनाथ गए हुए होंगे। हम अमरनाथ में ही बैठे हैं, समझ के चलिए आप। और गुरुजी के वक्तव्य के विषय में दो बातें जो महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो उन्होंने क्रम बताया जो मैंने पहली बार सुना। सोमानंद, आचार्य सोमानंद ने किस बात को प्रतिपादित किया, फिर उसके बाद आचार्य उत्पल देव ने उसी बात को कैसे आगे बढ़ाया, और उसकी परिणति किस प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त में होती है, ये बात जो आपने बताई ये बहुत विलक्षण थी। और मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर आशुतोष इस पर एक विशेष व्याख्यान रख सके तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि ज्यादा सुनने में नहीं आती, कि किस प्रकार प्रतिभिज्ञान पूर्णता को प्राप्त होती है जब अभिनव गुप्त पाद उसे बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बीज रूप से गुरुजी के वक्तव्य में सुनाई दी। और दूसरी बात जो मुझे हमेशा सुनने में अच्छा लगता है वो है गुरुजी काव्य में शास्त्र और शास्त्र में काव्य, ये जो दृष्टि है उनकी ये विलक्षण है। शायद ही कोई ऐसा विद्वान होता है जो खास करके काश्मीर शैव दर्शन में जो इस प्रकार से अधिकार रखता है कविता पर भी और शास्त्र पर जी। तो जैसे उन्होंने कहा कि विवृत विमर्शिनी में प्रत्येक पंक्ति में उनको काव्य और शास्त्र एक साथ दिखता है, तो ये इस पर भी एक गहरा चिंतन आवश्यक है क्योंकि विवृत विमर्शिनी शायद ही बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कुछ पोर्शंस सिलेक्टेड अगर गुरु जी के साथ हो सके, और ये जो दृष्टि गुरु जी बताए हैं उस पर वो और ज्यादा विचार या प्रकाश डाल सके। मैं यही उन्हीं बिंदुओं को अपने भीतर अपने हृदय में समाहित कर रहा था और चाह रहा था कि कश्मीर से जुड़कर गुरु जी का अभिवादन बहुत आनंद आया। गुरु जी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आचार्य निहार जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर इस विषय को भी हम टेकअप कर सकें कि दार्शनिक साहित्य या दर्शन में साहित्य को किस तरह से समाविष्ट किया गया है और दार्शनिक ग्रंथों में साहित्यिकता को कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे उसको अप्रिशिएट करें, तो मुझे लगता है इसके पर एक टिप्पणी जरूर मैं लेना चाहूंगा आपकी। लेकिन हम कुछ और टिप्पणियां ले लेते हैं। आपने माइक अनम्यूट किया था। सॉरी बाय मिस्टेक आई डिड इट। ओके बट वन थिंग नाउ सिंस यू हैव आस्क्ड मी, मेरा एक सवाल मतलब आचार्य जी जब अंग्रेज जी बता रहे थे तो श्री अभिनव गुप्त का जो बताया उसने उन्होंने बताया कि प्रत्येक यानी कि सामान्य रूप से हमें हमारे सामने वो उजागर होता है जो हमें कभी देखा होता है या तो स्मृति में होता है, लेकिन आचार्य जी ने ये मुझे स्पष्ट करवाया कि प्रत्यभिज्ञ हृदय में गुरु कृपा से या तो वचन के सुनने से, शास्त्र को सुनने से और उसका श्रवण करने मात्र से भी हम प्रत्यभिज्ञ कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए आज एक नई बात समझने में आई। धन्यवाद गुरु जी। प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी जयपुर से हैं, उसके बाद अक्षय जी। नमस्कार सर, आपको सुनना हमेशा ही एक नया अनुभव होता है, लेकिन मुझे जानना होता है तो मैं एकदम संक्षेप में पूछती हूँ आपसे। अभिनव गुप्त का जो इनके ये भक्ति के जो ये है स्तोत्र, उसमें जब ये कहते हैं त्वम आत्म रूपम संप्रेक्ष्य तुभ्यम मह्यम नमो नमः, तो ये क्या इनका अनुभूति पर कुछ है, या मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इनके गहरे अनुभव जो रहे होंगे साधना के उसमें से लिखा हुआ कुछ है, आप अगर इस पर कुछ और प्रकाश डाल सके तो
क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, तुभ्यम आत्मा मह्यम नमो नमः, मैं आपको आप में अपने आप में सारा जगत देखता हूँ या सारे जगत में स्वयं को देखता हूँ और मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ तो जी मैम इसको साथ ही ले लेंगे अभी। अक्षय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अक्षय जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। आचार्य साष्टांग नमस्कार, आचार्य साष्टांग नमस्कार दोनों को। मेरा प्रश्न है, अभिनव गुप्त ने एक 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 बार कहता है मुझे पद प्रमाण और मतलब व्याकरण न्याय और व्योम समय तीनों तीनों जानता हूँ जी जी, और मुझे कुछ मत बोलिए उनकी पीयर रिव्यूअर्स को कहते हैं। और अभी अभिनव गुप्त मीमांसा को कैसी संवाद करते मीमांसा के साथ, क्योंकि मीमांसा कहते हैं हमेशा जो वैदिक वाणी है केवल उसको ही सिद्ध करना है और किसी को और कोई वाणी कोई पद को सिद्ध नहीं करना है। अभिनव गुप्त इसको कैसी इससे बाहर आता है इस मीमांसा ट्रैप से? जी जी ठीक है। और बल्कि एक प्रश्न मेरा भी है जो कल अभी अधूरा रह गया था, वो यही था कि हम कश्मीरी शैवाचार्यों को ऋषित्व का पद क्यों नहीं दे पाते। आपकी बात को ही मैं अक्षय जी बढ़ा रहा हूँ आगे कि जब उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, ऋषि भी मंत्र साक्षात्कार करते हैं, इन्होंने भी साक्षात्कार कर लिया, तो फिर इनके ऋषित्व में कहाँ कमी रह गई। तो मुझे लगता है कि इतनी, अगर किसी और की भी कोई टिप्पणी है तो प्लीज आप अपनी साझी कर लीजिए टिप्पणी, वो एक बार में ही फिर सारी बातों का उत्तर होगा और फिर उसके बाद हम बाकी चीजों को। उदय जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार गुरु जी, मैं उदय कुलकर्णी बोल रहा हूँ भरूच से। अभी कश्मीरी शैविज्म का थोड़ा बहुत जो हमने अभ्यास किया है उससे लगता है कि वो जो दर्शन है अपने सांप्रत समय में या पहले भी और आने वाले समय में भी ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन रहने वाला है जो सर्वसमावेशक है, फिर भी उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी कम क्यों है, ये मेरा प्रश्न। ठीक है, अब आप सभी के ऊपर समन्वित रूप से टिप्पणी आप करें। पहले ये लास्ट जो है उसमें ये डॉक्टर निहार पुरोहित तब वक्तव्य ये मेरे लिए बड़ा एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि हार सुन रहे थे, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बात करना है जो उस परंपरा में पूरी तरह से अपने आप को प्रविष्ट करके चल रहा है, तो ये हमेशा एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है बोलने का। तो बहुत अच्छा लगा निहार के प्रति मेरा बड़ा सद्भाव है बड़ा। और दूसरे जो प्रश्न है उनमें एक अभी जो अंतिम प्रश्न मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रतिविज्ञा दर्शन जो है वो, उसको मैंने क्रमशः अपने वक्तव्य में थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये छठी सातवीं शताब्दी के आसपास, पांचवीं छठी सातवीं ये शताब्दियां जो है भारतीय दर्शन और विशेष रूप से संस्कृत में जो साहित्य रचा गया उस दृष्टि से ये तीन चार शताब्दियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। इनमें ये एक और बुद्धिस्ट जो स्कूल थे, ये चारों पांचों स्कूलों का, फिर इनमें से दूसरे और बहुत सारी ब्रांचों का, उनका प्रभुत्व जो था सारे देश के ऊपर फैला हुआ था। फिर उसमें से इनके जो छोटे छोटे वो स्प्लिंटर्स थे उनमें से कुछ दूसरे संप्रदाय निकल गए, तो उनका भी बहुत लोक में प्रभाव रहा। लेकिन इस सब के बाद जो सबसे बड़ा
प्रभाव रहा आचार्य शंकर के दर्शन का। आचार्य शंकर ने संपूर्ण भारत की यात्रा भी नहीं की बल्कि भारत से बाहर की भी यात्रा की, ऐसा भी राहुल सांकृत्यान जैसे लोग कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये दूसरे जो दर्शन थे, दूसरे दर्शनों का जो एक क्रमशः परिपाटी से जो चला आ रहा था, परंपरा जो चली आ रही थी, उसके अंदर ऐसा समझा जाता था कि काश्मीर शैव दर्शन तो घर की बात ही है, जैसे बीच में ही है, इनके बीच में आ गया, बीच में कुछ शामिल हो गया। यानी शाक्त दर्शन का आप देखें, शाक्त दर्शन अपने आप में बड़ा संपूर्ण दर्शन है, शाक्ताद्वैत एक पूरा दर्शन है पूरे का पूरा। लेकिन उस शाक्ताद्वैत दर्शन का भी उसमें ये जो सर्व दर्शन संग्रह है माधवाचार्य का, उसमें शाक्त दर्शन को कोई अलग से दर्शन के रूप में नहीं स्वीकार किया गया। प्रतिभिज्ञा तो फिर भी स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे दर्शनों को ऐसे समझा जाता था कि ये एक अवान्तर उन्हीं की शाखाएं उन्हीं में से उद्भूत हैं और उन्हीं के अंदर ये लगभग आ जाता है। ये तो दृष्टियां हैं, ये दर्शन नहीं है, एक विजन्स हैं, एक संप्रदाय हैं छोटे छोटे, इनको इस ढंग से देखा जाता था। इसलिए मैंने ये कहा कि नहीं, इससे पहले आचार्य अभिरम ने इसको एक बिल्कुल दर्शन के रूप में जो खड़ा किया है, वो दर्शन के रूप में खड़ा करने वाले दूसरे लोगों की अपेक्षा उन लोगों का योगदान अपनी तरह का है, बहुत बड़ा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे आचार्य अभिनव स्वयं स्वीकार करते हैं। लेकिन उसको जो एक पूर्ण दर्शन का, और फिर उसकी एक, क्योंकि दर्शन के लिए एक स्टैंडर्ड बन गए थे कि देखिए उसकी एक ज्ञान मीमांसा होनी चाहिए, उसकी एक प्रमाण मीमांसा के साथ साथ तत्व मीमांसा भी होनी चाहिए, उसका एक नीति मीमांसा भी होनी चाहिए, उसका एक सौंदर्य मीमांसा भी होनी चाहिए। तो वो एक दर्शन जो थे वो उस प्रणाली में देश के अंदर पठन पाठन प्रचलित रहा, और इस दृष्टि का कोई ज़्यादा इधर प्रचार हो नहीं सका। और एक ये था कि ये कश्मीर में उत्पन्न होकर के कुछ कश्मीरी आचार्यों के कारण ये प्रसरित नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि कश्मीर शैविज्म है, ये विशुद्ध रूप से आत्मिक दर्शन है, इसका नैगमिक दर्शनों से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे आचार्य लोग भी थे जो लोग इसे मानते थे कि जैसे कश्मीर से केसर में पैदा होता है, इसलिए कश्मीर दर्शन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है और लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये बाद में ये जो आचार्य अभिनव को समझने वाले लोग थे, दूसरे लोग थे, उन लोगों ने इसको मुक्त किया। लेकिन मुक्त करने के साथ फिर भी उस परंपरा में आते आते समय लग जाता है उसके अंदर, इसलिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत पॉपुलैरिटी इसका वो नहीं हो पाई। जैसे शाक्ताद्वैत जो है, शाक्ताद्वैत का बहुत बड़ा दर्शन शिव साधना जो है श्री महात्रिपुर सुंदरी, बहुत साहित्य अवेलेबल है, बहुत साधक भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे दार्शनिक भी हुए, लेकिन उसको अलग से दर्शन के रूप में भी पढ़ाया गया। और दूसरा ये जो बात थी कि तुभ्यम मह्यम नमो नमः बात आ रही है, उसमें यह है कि आचार्य जो अभिनव हैं वो स्वयं बहुत बार ये एक ऐसे समावेश में आते हैं कि समावेश के अंदर वो अपने को एक अनुपाय की स्थिति में पाते हैं, कि उस अनुपाय की स्थिति के अंदर वो पर भैरव के साथ आत्मसात, जैसे उन्होंने उसको उस भैरव कॉन्शियसनेस पे जैसे उन्होंने आत्मसात कर लिया, इसलिए वो उसमें वो प्रार्थना करते करते उनको ऐसे लगता है कि नहीं, जो माँ की तिथ्य माँ गृहान मिले स्वस्थ सदा सर्वदा, ये तो ये भावा प्रविभांति विश्व बपुषो भिन्नस्व भावा न थे, ये मैं ही तो हूँ और कौन। अब वो शिव जो है वो उस भैरव भाव के अंदर वो स्वतः उनको समावेश किया आता था। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि उनमें अनुभूति की बहुत तीव्रता मुझे नजर आती है उनके स्तोत्रों के अंदर, और वो तीव्रता जो है वो तीव्रता दूसरे स्तोत्रों में
बहुत सारे पर्सन के अंदर डूब करके फिर उसमें आत्मसात करने के बाद वो स्तोत्र उसमें से प्रकट होता है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि वो समावेश की अवस्था के अंदर वो इस बात में आ जाते हैं कि नहीं ये तुभ्यम 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 मध्यम पुरुष के अंदर तो द्वैत है, ये मैं एक ही बात हो गई है। तो उसमें चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। और तीसरा क्या चेतना यही थे प्रश्न मुख्य रूप से डॉक्टर बीना जी का, उदय जी का, आचार्य जी का, पुरोहित जी का। तो यदि किसी और की कोई टिप्पणी अभी शेष हो तो डॉक्टर सूर से मैम आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आप सुन रहे हैं तो। जी जी मैं सबको प्रणाम कर आज के इस व्याख्यान से हम बहुत आनंदित हुए, और क्योंकि शैव दर्शन का और अभिनव गुप्त पादाचार्य का हम लोगों को उस रूप में तो कभी कक्षा के हिसाब से अध्यापन और अध्ययन के अंतर्गत तो कभी वो नहीं मिला, लेकिन आपके कार्यक्रमों से जो हम लाभान्वित होते हैं वो ही हम अपना सौभाग्य मानते हैं। और आज आपने अनेक जो पारिभाषिक शब्दावली है उसकी व्याख्या जो है बहुत ही सुंदर दृष्टि से विद्वान आचार्य प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी ने की है, तो हम हृदय से आपके आभारी हैं। और इस ये जो सप्ताह का हम आयोजन आप करते हैं ये वस्तुतः हमारे ज्ञान संपदा को निरंतर संवर्धित करता रहता है, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद मैम। और प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कौशल जी भी इसका आयोजन कर रही हैं, तिथि मुझे ध्यान नहीं है लेकिन किस दिन है मैम ये 11 जून को है जी। 11 हाँ जून को सुबह 11 बजे है। हाँ और सुनील जी जो हैं वो सारे आपको जानकारी इस पे उपलब्ध कराते रहेंगे आप सभी लोगों से जी। धन्यवाद मैम। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील रैना राजानक जी को कि वो सभी शैवों की ओर से आज के जुड़े हुए प्रतिभागियों का और मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करें और सूचना भी दें कि कब कब कहां कहां जो है वो आयोजन हो रहे हैं। और उसके बाद अगर डॉक्टर सुप्रिया जी जुड़ी हुई हैं अमेठी यूनिवर्सिटी से तो वो अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सुनील जी। हाँ जी, एक मिनट, मैं लिस्ट निकाल रहा था कि कहाँ का वो एक लिस्ट बनाई थी मैंने क्योंकि अब इतने सारे कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं तो सब मेरे को याद रखना एकदम ये तो अब आप अपने स्किल्स बढ़ा लीजिए तो अब कर लीजिए बढ़ाएंगे जी जी जी। पहले तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो अपना वक्तव्य और हमें अपने ज्ञान से आचार्य अभिनव गुप्त के कुछ और आयामों को दर्शाने का जो कार्य किया उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मैं इस श्लोक से शुरू करूंगा। नमो निखिल मालिन्य विलापन पटी यसे महामहेश्वराय श्री अभिनव गुप्ताय गुरुमूर्ते। तो इसी प्रकार से आचार्य अभिनव गुप्त जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो मुख्यतः जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से हमने लगातार ये कार्यक्रम आयोजन करने का एक संकल्प लिया है कि महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी की एक सप्ताह भर की कार्यक्रम रहे पूरे भारत में, क्योंकि आचार्य ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को भारतीय कहा। जब वो ट्रिक लिखी उस पर उन्होंने लिखा अभिनव भारती, उन्होंने जो ज्ञान परंपरा को मैं
कि विविधता दिखाई वो भारत में ही अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा थी लाना हम कड़ी बने एक उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हमारे भारत में ही इतनी विद्वता रही है इतने ज्ञानी परंपरा के लोग रहे हैं जिन्होंने इस सारे फंडामेंटल और रुडिमेंट्री आइडियाज दिए हैं एस्थेटिक्स के फिलोसफी के और योग के जिनको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी परंपरा को आगे लेते हुए हम लोगों ने इस वर्ष भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें से आशुतोष जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जब भी आपको फोन करके आप ये सारे कार्यक्रम को आयोजित कराने में मतलब आप ही सहयोग करते हैं तो मैं उसमें साथ आपके साथ जुड़ जाता हूँ। तो आज जैसे आपका कार्यक्रम हुआ हमने कल शाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था कल ललित पारीमू जी ने एस्थेटिक्स और तंत्र में किस प्रकार से साधना मार्ग पे हमें चलना चाहिए उसका एक अपना लेक्चर दिया था। आज आप आचार्य जी का भी हुआ शाम को यूनाइटेड स्टेट्स से प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा जुड़ेंगे उसका जूम लिंक भी मैंने चैट बॉक्स में दिया है। कल दोपहर को दो कार्यक्रम है एक MIT यूनिवर्सिटी से जो सुप्रिया जी उसका संयोजन कर रही है और 1 बजे काशी से ब्रजेश जी उसका अगर जुड़े होंगे तो उसका भी लिंक हमें शेयर करेंगे। तो कल दोपहर के दो कार्यक्रम है कल शाम को श्रीनगर से कल शाम को एक और स्वामी ब्रह्मानंद जी जिन्होंने स्वामी मुक्तानंद से दीक्षा ली थी और कश्मीर शैव दर्शन का बहुत प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं उनका वास्तविक नाम डेविड नोवे है परंतु बहुत सालों से उन्होंने कश्मीरी शैविज्म पे ही अध्ययन और मनन किया है वो जुड़ेंगे वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। जब मैं पिछले साल उन्हें कश्मीर में मिला था तो बड़े अपनी टीम के साथ अपने भक्तों के साथ ईश्वर आश्रम में रुके थे और हर दिन शिव सूत्र और बाद में विज्ञान भैरव के ऊपर लोगों को समझाते रहे पूरे 3 महीने के लिए तो वो कल शाम को जुड़ेंगे। और इसी प्रकार से ये जो जर्नी है हमारी इस पूरे सप्ताह तक चलती रहेगी। तो इस आयोजन में मुख्यतः यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे ज्ञान परंपरा के बारे में पता चले नए लोग जुड़े और इसका विस्तार पूरे देश में फैले ताकि आने वाली जनरेशन आने वाली यूनिवर्सिटीज आने वाले स्कॉलर इस बात को समझे कि हमारे देश में ही अमृत मंथन हुआ है और इस अमृत को चखना हमारा ही कर्तव्य है इस अमृत को चख के आने वाली नई पीढ़ी तक इसका विस्तार इसका वैभव और इसकी चर्चा करना कितना आवश्यक है। तो ये एक हमारा एक निमित्त प्रयास है इस पूरी जर्नी में। तो इसके लिए मैं विशेषकर आपको ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा आशुतोष जी क्योंकि आपके बिना ये सारा आयोजन होना बड़ा असंभव था और आपके ही संयोजन से ही सारा जुड़ रहा है। तो इसी के साथ में जितने भी हमारे आज जुड़े हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर सुप्रिया जी है डॉक्टर सरोज कौशल जी है विमर्शनी शक्ति के रूप में डॉक्टर बीना अग्रवाल जी है और बाकी सब हमारे विद्वत जन जुड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम और विशेषकर आज के मुख्य अतिथि बड़े आचार्य अंगिरथ जी को भी मेरा बहुत बहुत नमन। डॉक्टर साहब ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है इसकी सूचना जो है वो जरूर पूरी सर्कुलेट कर दें एक जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था जी मतलब एक वर्ड फाइल में जो है वो सभी विषय और लिंक्स जो है वो शेयर कर दीजिएगा टाइम ताकि वो सभी आपको भी किया था और मैं क्या कर दूंगा मैंने अच्छा। इसमें ग्रुप चैट भी डाल दिया है अभिनव जयंती करके हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम इंडिविजुअली तो नहीं उसमें वो लोग सब जुड़ जाएं और उसमें सारे जितने भी हर दिन के कार्यक्रम होते हैं तो एक दिन पहले हम उसका फ्लायर और उसका लिंक भेज देते हैं ताकि लोग उसको जुड़े और अगले दिन उसका रिमाइंडर भी भेज देते लोगों को। तो आप सबसे निवेदन है कि जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला है मैं फिर से शेयर कर दूंगा आप उसको अवश्य उस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में आप सबको पता चल जाए और बार बार कोई इधर उधर ना भटके तो इसीलिए वो लिंक भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। जी थैंक यू ठीक है सर ठीक है क्योंकि इसके अतिरिक्त जोधपुर यूनिवर्सिटी से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से सभी लोग वहाँ से भी जुड़ेंगे और वहाँ पे भी इन कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन है
तो वो आप लोगों को सूचना सुनील जी चाहिए था, संजू जी जो अमेठी यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की अध्यक्ष हैं, कि वो धन्यवाद भी करें और अपने कार्यक्रम की सूचना भी हम सभी के साथ साझी करें। मैडम आवाज नहीं आ रही, वैसे तो माइक ऑन है आपका जी। सभी गुरुजन विशेषकर जो आचार्य आंगिरज जी उन्होंने हमें इतने अच्छे वक्तव्य और इतनी ज्ञान की बातें बताई, उनको सादर नमन है। ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है अभिनव भक्त के कार्यक्रम की, ये बहुत अच्छी है। हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी भी हैं, संस्कृत के शिक्षक भी है, किंतु संस्कृत में भी इतना ज्ञान भंडार है, हर ज्ञान को विस्तार पूर्वक जानना बहुत ही मुश्किल है। कार्यक्रम के माध्यम से ही हम आचार्य अभिनव गुप्त के बारे में, उनके विषय में हम बहुत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम से हम लोगों को जोड़ने के लिए। यहाँ सभी विद्वत जनों का अमेठी यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से और SD कॉलेज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और कल अमेठी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मीरा द्विवेदी भी उपस्थित रहेंगी। 11 बजे है, मैं शीघ्र ही लिंक जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो सुनील जी ने बनाया है, और आप सबके पास वो पहुँच जाएगा। तो आप लोग प्रार्थना है, करपत्र प्रार्थना कि सभी लोग जुड़े और हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ाए। बहुत ही अच्छा रहा, आप लोग सभी जुड़े और इतने शांतिपूर्वक में आचार्य जी को सुना, उनके ज्ञान के भंडार में से थोड़ा कोई ज्ञान हमने भी थोड़ा प्राप्त किया। इसलिए आचार्य जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। हमारे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी से आप जुड़े, ज्ञान एक एक बूंद जो है, ज्ञान का घड़ा वो एक एक बूंद से ही भरता है, वो बूंद हम धीरे धीरे अपने घड़े में डाल रहे हैं। तो सभी कार्यक्रम से जुड़े, कल का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा था जो सायंकाल में हुआ था, और आज भी ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आगे भी उम्मीद करती हूँ सारे जो विद्वान है उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त करने को मिलेगा। तो सबका एक बार फिर से पुनः अपने अमेठी यूनिवर्सिटी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया जी। आज का ये कार्यक्रम यहीं पे हम इसको पूर्णता प्रदान करते हैं, और विसर्जन से पूर्व मैं हरियाणा ग्रंथ संस्कृत अकादमी, अमेठी यूनिवर्सिटी और हमारे साथ जुड़े हुए इतने सारे जो हरियाणा के कॉलेजेस हैं, जनता कॉलेज कौल, RKSP कॉलेज कैथल, आर्य गर्ल्स कॉलेज शाहबाद, कन्या महाविद्यालय जालंधर और अन्य अन्य जितने भी कॉलेजेस हैं, और मुकुलारण्यम महाविद्यालय काशी, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी कॉलेजेस की ओर से मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सामूहिक प्रयास मुझे लगता है ये बहुत सुखद है, इसी तरह से सामूहिक प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोगों को यही कह रही है कि क्लब करके आप लोग कार्य कीजिए, जो है मिलकर के हम लोग काम करें और इस सारे कार्य को अग्रसर करें। सुनील जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था आशुतोष जी की कल मुकुलारण्यम यूनिवर्सिटी का भी कार्यक्रम 1 बजे है, तो उनका लिंक मैं अभी इसमें शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, ताकि सब लोग उसका संज्ञान ले। हाँ वो व्हाट्सएप पे भी करना पड़ेगा और इस पे भी करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे भी मैं कर दूंगा, इस पे भी कर दूंगा, और सुप्रिया जी का वेट कर रहे हैं, हम उनके हाँ लिंक वो शेयर कर देंगे जी। ठीक है, तो धन्यवाद है आप सभी का। आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म आप लोगों के लिए हमने शेयर कर दिया था मैडम मीनाक्षी ने। मैडम मीनाक्षी एक बार दोबारा उसको शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में लिंक जो है, फॉर्म भर दीजिएगा, आप लोगों के सर्टिफिकेट आ जाएंगे। और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी हाँ जी कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मिलते हैं और शाम को और फिर कल रात में, धन्यवाद। सदानंद जी बहुत बहुत आभार, मैं आपको कहना ही भूल गया। I have passed my first year MA philosophy. Achcha. That's really great, wonderful. Now I have to do the second year. Ji. Where I need help in Sanskrit. Okay. So I have put this request in the form. Okay. I will call you up and we'll discuss about it. Thank you. Thank you very much, Sunil ji, and all the participants, all resource persons, everybody. Yes. Thank finally, you, finally, yes. Finally, there is a unity in everything, be it Vaishnavism, be it Shaivism. The self is governed by the Lord himself. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन। आप लोग मीटिंग अब छोड़ सकते हैं और फिर मिलते हैं, और अभिनव गुप्त की अभिनवता को हम पहचानने का कल प्रयास दोबारा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यू कैन लीव द मीटिंग आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। रामकृष्ण।